मध्य प्रदेश में टिकट के ऐलान के साथ ही कांग्रेस में सिर फुटबॉल भी शुरू हो चुका है। कांग्रेस कार्यकर्ता अपने ही राष्ट्रीय अध्यक्ष और प्रदेश अध्यक्ष के फैसले पर सवाल उठा रहे हैं। राहुल गांधी से पूछ रहे हैं कि क्या कार्यकर्ता की अनदेखी कर कांग्रेस मध्य प्रदेश को जीत पाएगी। नारेबाजी कर रहे ये सभी कांग्रेस कार्यकर्ता ही हैं। अपने चहेतों को टिकट नहीं मिलने से नाराज कार्यकर्ताओं ने बगावती तेवर अपना लिया है। जो मध्य प्रदेश में सरकार बनाने का ख्वाब देख रहे कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के सपने को तोड़ सकता है। प्रत्याशियों की तीन लिस्ट में कांग्रेस अभी तक 184 उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर चुकी है, लेकिन प्रत्याशियों के नामों के ऐलान के साथ ही बागियों ने कांग्रेस का सिरदर्द बढ़ा दिया है। टिकट बंटवारे को लेकर पहले प्रदेश के बड़े नेताओं के बीच तीखी बहस और अब कार्यकर्ताओं का बगावती तेवर कहीं कांग्रेस की नैया डुबो न दे। मुरैना में कांग्रेसी कार्यकर्ताओं ने प्रत्याशी नहीं बदलने पर आला कमान को अंजाम भुगतने का अल्टीमेटम भी दे दिया। कल सुबह के 11 बजे तक हमारी मांगे नहीं मानी तो हम कांग्रेस पार्टी का अकेली तिमली विधानसभा में नहीं बल्कि शिवपुर से लेकर के कोहत तक, जहाँ तक कॉमर घाट फैली हुई है और जहाँ तक छत्री समाज के लोग निवास करते हैं, यहाँ पर कांग्रेस पार्टी ने अगर कोई मध्य प्रदेश में सबसे बड़ा काम किया है तो वो चंबल संभाग में छत्रियों के अपमान का काम किया है। रविंद्र सिंह किसी छत्री समाज का नेता नहीं है, रविंद्र सिंह को वाल्मीकि से लेकर के ब्राह्मण तक का आशीर्वाद प्राप्त है। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया को एक साथ लाकर मध्य प्रदेश को फतह करने का सपना देख रहे हैं। 15 सालों से चल रहे सत्ता के सूखे को खत्म कर सत्ता में वापसी का मंसूबा संजो रहे हैं।